अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं आईसीए ग्रीन सिग्नल को लेकर के कि आपको आईसीए का ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, आपका रेड 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 ही शो हो रहा है और जीडीआरएफए का अप्रूवल भी रिजेक्ट हो जाता है, आप अप्लाई करते हैं नहीं मिल पा रहा है, आईसीए ग्रीन सिग्नल भी नहीं मिल पा रहा है और GDRFA दुबई के जिनका वीजा को GDRFA से अप्रूवल भी नहीं मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बड़ी ही आसानी के साथ बहुत जल्दी आप कैसे आप ICA का ग्रीन सिग्नल पा सकते हैं और दुबई का वीजा है तो GDRFA का अप्रूवल पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं तो ICA के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ICA यानी अबू धाबी, शारजा, फुजेरा, रास अल खैमा, अजमान, उम्मुल क्वैन का वीजा है तो इनको ICA का वीजा बोलते हैं। अगर इन छह स्टेट्स का वीजा है तो आपको ICA ग्रीन सिग्नल की जरूरत पड़ती है। अगर आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने कंपनी को कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आप किसी कंपनी में है तो कंपनी को, किसी अरबिक हाउस में है तो कोई उस अरबिक को जो है कि अरबी को कॉन्टेक्ट कीजिए, या फिर जिसके अंडर में आपका वीजा है कंपनी में तो कंपनी, या फिर किसी अरबी घर में काम करते हैं तो उनको कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, उनको कॉन्टेक्ट कीजिए कि मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है तो मुझे ग्रीन सिग्नल आप दिलाइए। तो आपको कंपनी को बोलना, कंपनी या अरबी को बोलना ये है, मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कंपनी आपको क्या करेगी, आपका पासपोर्ट की कॉपी, वीजा की कॉपी और कंपनी एक लेटर टाइप करेगी जिसमें ये कहेगा कि ये मेरा बंदा है और मुझे इस बंदे की बहुत सख्त जरूरत है, इसकी वजह से मेरे कंपनी में बहुत नुकसान हो रहा है तो ये बंदे को मुझे जरूरत है, तो इस बंदे को ग्रीन सिग्नल दिया जाए ताकि ये बंदा मेरे कंपनी को ज्वाइन करे और मेरे कंपनी में प्रॉफिट हो। तो इस तरह से एक जो है कि लेटर टाइप करना होगा, आपके कंपनी को बनाना होगा, उसमें आपकी कंपनी की सिग्नेचर होगी, आपकी कंपनी की मोहर होगी, आपका जो एचआर है उसका सिग्नेचर होगा और बाकी कंपनी उसमें लेटर में पूरा चीज लिखना होगा कि इस बंदे को हम क्वारंटाइन का पूरा जो है कि मैंने सर्विस हम देंगे, इसको अलग क्वारंटाइन में रखेंगे, सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से एक लेटर टाइप करना है तो वैलिड वीजा, पासपोर्ट कॉपी, कंपनी का जो लेटर टाइप करेगा जो मैंने आपको बताया उसको टाइप कर करके और बाकी जो कि इमिग्रेशन काउंटर पे ऑफिस में जाकर के जमा करना होगा, वहां पे बोलना होगा कि मेरा ये बंदा है और उनको जो है कि ग्रीन सिग्नल जल्द से जल्द दिया जाए। अब बात करते हैं GDRFA जिनका दुबई का वीजा है, तो इसी तरह से दुबई वालों को भी करना है कि वैलिड वीजा और पासपोर्ट का कॉपी लेकर के और कंपनी का जो लेटर बताया उस तरह से एक लेटर टाइप कर करके और कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करके एक फाइल बना करके GDRFA का जो है ऑफिस में जाना होगा, वहां पे डाल करके और बोलना होगा कि ये पासपोर्ट नंबर है, इस तरह का बंदा है और इसको जो है कि अप्रूवल जो है कि अप्लाई करके इनको अप्रूवल दिया जाए। तो इस तरह से आप बहुत ही जल्दी अप्रूवल ले सकते हैं ICA का भी और GDRFA का भी। याद रहे आपको खुद से ईमेल नहीं करना है, ना तो ICA को ना तो GDRFA को, क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो सब लोग ईमेल करके जो है कि अपना काम करा लेंगे, लेकिन यहाँ पे कंपनी या फिर जिसके अंडर में है उसका सिग्नेचर या फिर उसका एक लेटर होना चाहिए, उसका स्टंप होना चाहिए ताकि उसको लगे कि हाँ ये जेन्युइन है, ये हकीकत है, कंपनी को जरूरत है इस बंदे की।